बॉबी वे पहली रेड ले चुके हैं, एक अंक हो चुका है। सिकंदर राणा का सेमीफाइनल मैच है, राणा वे जेडी एकेडमी एक अंक ले गए थे, एक अंक पे हो चुके हैं। बॉबी कसाना और भैया पकड़ ले, यहाँ पकड़ो भैया, निकल। दो पॉइंट हो चुके हैं राणा के, अभी जेडी का खाता खुलना बाकी है दोस्तों। दो खिलाड़ी सत्येंद्र राणा जेडी एकेडमी शून्य नंबर ले गए। और भैया ये ब्रेंचर विश्वविद्यालय रसूलपुर गांव के हैं। बॉबी कसाना एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक लेने की कोशिश करते हुए, ये है भैया बॉबी कसाना। यहाँ पर तीन पॉइंट हो चुके हैं राणा के और जेडी का खाता नहीं खुला है अभी, नंबर ले गए, खाता खोल लिया एकेडमी का खाता खुलता हुआ निकल। एक बार फिर जेडी एक राणा तीन, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला भैया, मजीपुर का टूर्नामेंट है, फर्स्ट प्राइज बाइक है यहाँ पर भैया, ये निखिल रसूलपुर। निखिल रसूलपुर एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं भैया। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोस्तों, झंडी में 800 रुपए एक बार फिर अपनी टीम के लिए पुरस्कार अर्जित कर रहे हैं, नंबर ले गए। चार अंकों पर है राणा और दो अंकों पर है जेडी, जबरदस्त मुकाबला। 800 रुपए झंडी पर निखिल रसूलपुर, 100 रुपए राजेश मास्टर शानदार जबरदस्त जेडी, 200 रुपए तीन पॉइंट हो चुके हैं जेडी, चार पॉइंटों पर है राणा। कबड्डी की महान हस्तियों में गिनती होती है राणा की, और उसके सामने है ग्रेटर नोएडा की जानी मानी टीम, नंबर ले गए। बहुत ही सबके बराबर 4-4। मजीपुर का टूर्नामेंट बहुत ही शानदार, फर्स्ट प्राइज ड्रॉ है भैया, हर वर्ष यहाँ भाई बैठ जा, भाई बैठ जा, हाथ जोड़ के भाई बैठ जा, प्रेम से देख लो गेम। निकल एक बार फिर अपनी टीम के लिए नंबर ले, पांच अंकों पर है राणा, चार अंकों पर है जेडी, अभी भी खाने का पल्ला भारी है, एक पॉइंट से देखना ये होगा। ओ नंबर ले नहीं पाए, यहाँ पर पकड़ कर ली गई है जेडी के बाहुबली की, छह अंकों पर पहुंची है राणा, दो पॉइंट की बढ़त के साथ आगे बढ़ता हुआ राणा का खेमा, चार अंकों पर है जेडी। निखिल रसूलपुर नंबर निकालने की भरपूर प्रयास करते हुए, चार और छह का स्कोर, दो अंक प्लस में है अभी भी राणा। कहते हैं तो तीन अंकों की फिर से लीड बना ली है राणा ने, बहुत ही अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। अरे पीछे अनिल कानिकर, पीछे जा भैया, नंबर ले गए, करता है कहाँ, बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। निखिल रसूलपुर पांच अंकों की लीड पर है राणा, पांच पॉइंट जेडी एकेडमी नोएडा, सात पॉइंट सत्येंद्र राणा। बहुत ही अच्छा मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों आपके सामने, झंडी नंबर ले गए, पकड़ नाकाम। आठ अंकों पर पहुंची राणा, पांच अंकों पर जेडी, अभी भी तीन अंकों की लीड पर है राणा, देखना ये होगा आखिरकार लीड को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर पकड़ हो गई, जंप लगाने की कोशिश लेकिन नाकाम, राणा के डिफेंडरों ने रोका, बहुत ही मुकाबला। नौ अंक पर जा पहुंची है राणा का खेमा। निखिल रसूलपुर जबरदस्त रेडर, बराबर नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, एक पकड़ यहाँ पर हो पाई है उनकी, नंबर ले गए। कहने को यहाँ पर 50% नंबर ज्यादा है, मतलब 5 और 10 का स्कोर है, 50% नंबर ज्यादा हो गए। पांच अंकों पर अभी भी सिमटी हुई है जेडी,
जबकि राणा निरंतर नंबर निकाल रही है। एक पॉइंट लिया है बॉबी, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ छह। जेडी एकेडमी छह। और भैया ये निखिल की कैच, और निखिल की कैच हो गई दोस्तों, सात अंकों पर पहुंची जेडी, 10 अंकों पर है राणा। मुकाबला बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। बॉबी फिर से आए हैं अपनी टीम के लिए नंबर निकालने के लिए। के कछु पांडा नाम थे पीछे से कुछ ज्यादा ना है, मतलब लो उधम ही बंदे के कछु। इनकी टीम 3 अंक पीछे है, उधम के पहले से ही करे नंबर लेके आते हैं। तो उनके होटल पांडा लोग बता रहे हैं, पांडा की बदतमीजी कर रहे हो। तो फिर से सभ्यता दिखा रहे ना, ये पांडा लोग उठा रहे सभ्यता दिखा रहे हो। तुम्हें पढ़े लिखे ग्रेजुएट ज्यादा है, सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे और ग्रेजुएट हुए ज्यादा। आठ अंक जेडी एकेडमी, 2 अंक की लीड रह गई है दोस्तों। थोड़ा सा विवाद हुआ कि रेड ज्यादा ओवर दे पाई जा रही है, गज्जू सिंह ने ऑब्जेक्शन किया था लेकिन रेफरियों ने नकारा। सेम है, आप धैर्य रखिए। निखिल रसूलपुर एक बार फिर अंक निकालते हुए बराबर रेड दे रहे हैं और नंबर ले गए आसानी से। 11 राणा और जेडी एकेडमी 8। 3 अंकों का अभी भी है समावेश, योग से ज्यादा जेडी पीछे चल रही है, जबकि राणा 3 अंकों पर आगे अपना रथ आगे की ओर ले जा रही है। बॉबी एक बार फिर अपनी टीम के लिए अंक लेने की कोशिश करती है और टीम को जीत के लिए। भैया ले गए पॉइंट, भैया ले गए। अरे भैया पट्टी खुल गई कि नहीं पट्टी है साधो। खेल दोबारा से स्टार्ट होता हुआ दोस्तों, टाइम चालू कर ले भाई, टाइम चालू कर ले। निखिल रसूलपुर अपनी टीम के लिए लगातार अंक अर्जित कर रहे हैं। राणा 11, जेडी 9, अभी भी 2 अंकों का समावेश है। 2 अंक अभी भी लीड में है राणा और रेड में है निखिल। राणा 12, जेडी 9, रेड पर है बॉबी कसाना। ले आए भैया बॉबी कसाना। तेरह अंकों पर है राणा, जेडी है 10 अंकों पर, अभी भी है लीड 3 अंकों की राणे के पास सुरक्षित। अरे भाई टाइम बता दे, टाइम कितना रह गया है? 12 मिनट हो गई, 3 मिनट शेष है, 3 मिनट शेष। संग वो नंबर पिछला वाला मान्य नहीं किया है, रेड झंडी नहीं लगी है इसके। 10 और 13 रसूलपुर, निखिल रसूलपुर रेड दे, शांति बनाए रखे भैया शांति। लवेश नंबर देखने दे, 10 पॉइंट जेडी और भैया बहुत ही शानदार पकड़, जिससे कहते हैं अनबिलीवेबल कैच। बॉबी 11 और 13, अभी भी लीड है 2 अंकों की राणे के पास। राणा इस लीड को कंटिन्यू करना चाहेगी और सामने है इस लीड को रोकने के लिए बॉबी कसाना। और भैया 2 मिनट से हिसाब में 2 मिनट, 13 राणा 11 जेडी।
और भैया यहाँ पर पकड़ कर ली गई है, रेड को रेडर को पकड़ा गया है, इसी का 14 अंकों पर पहुंची है। सुमित खड़वाए ने अब जिम उठवाया है राणे की तरफ से, क्या इस जिम्मे को वो कंटिन्यू करेंगे, नंबर निकालेंगे और लीड को कंटिन्यू कर पाएंगे। जेडी के भी सामने यही परिस्थिति है, वो इनको रोकना चाहेंगे। खाली अंक, अनिल काने काने अब भार संभाला है अंक को निकालने के लिए। अब वो जाते हुए अनिल काने का सत्येंद्र राणा के पाले में पॉइंट का प्रयास करते हुए, और भैया पॉइंट ले गए। बारह और 14 का अंक है भैया, दो अंकों की अभी भी लीड है रानी के पास। जबरदस्त प्लेयर निखिल लगातार अर्जित कर रहे हैं। यहाँ पर जेडी दो अंकों से पिछड़ रही है, शबके राणा कंटिन्यू भाई। यहाँ पर 15 अंक राणा, 12 अंकों पर जेडी। फर्स्ट हाफ का स्कोर है ये 12 नोएडा 15 राणा, 3 अंकों की लीड है अभी भी। सेकंड हाफ स्टार्ट होगा दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ।